यह है टैकोमीटर, ये डायरेक्ट इग्निशन केबल के पास में ले जाने पर चालू हो जाएगा, पर मैं इसका यूज़ हमेशा एंटीना लीड से करूँगा। एंटीना लीड बिठाने का तरीका है, इसमें पहले जो ये छेद है यहाँ पर से वायर अंदर डालना है और इसको बैंड करके इसका जो ये लास्ट वाला टिप है इसको उसी के पास में सेकंड होल है उसमें इंसर्ट करना है और सिर्फ हल्का सा बाहर रखना है उसको, और उसके बाद में जो बचा हुआ लूप है उसको ख़त्म कर देना है खींच के। और ये इस हिसाब से ये सेट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं इस हिसाब से ये सेट हो गया है। अब ये टैकोमीटर रेडी है, ये टैकोमीटर रेडी है अब आरपीएम को रीड करने के लिए। अब ये पोजीशन पे हम कार्बोरेटर को सेट कर सकते हैं, पर इसमें दो पोजीशन स्विचेस हैं, एक P2142 है और एक P41 है। P41 पे हमारे को इसको सेट करना है और उसके बाद कार्बोरेटर सेट करना है। P41 का मतलब है 4-स्ट्रोक सिंगल फायर या सिंगल सिलेंडर, और P2142 का मतलब है 2-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक डबल सिलेंडर या 4-स्ट्रोक डबल फायर। जैसे कि डिस्कवर और पल्सर में होता है दो स्पार्क प्लग होते हैं, ट्विन स्पार्क होता है, तो उस टाइम पे हमें ये पोजीशन पे रखना है, और जब सिंगल फायर रहे 4-स्ट्रोक रहे तो हमें इस पोजीशन पे रखना है। अभी इस पोजीशन पे है, ये हमारा आरपीएम रीड कर रहा है और इसका सेंसर बहुत पावरफुल है। जब मैंने लीड हटा भी देता हूँ ना तो भी ये रीड करता है, हालाँकि उससे एरर आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये बढ़ रहा है, मैं दूर कर रहा हूँ तो उससे आरपीएम में एरर भी आ रहा है, पर मैं इसलिए इसमें एंटीना लीड का यूज़ करूँगा ताकि मुझे आरपीएम एकदम परफेक्ट मिले। अगर आप कार्बोरेटर सेट करना चाहते हैं तो आप हमारा कार्बोरेटर सेटिंग का वीडियो है जो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।